हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक्टर, मॉडल, सोशल मीडिया स्टार, टिकटॉक स्टार, फैशन ब्लॉगर मिस्टर फैजू के बारे में। अभी इंडिया में शायद ही कोई इंटरनेट यूजर होगा जो मिस्टर फैजू और टीम 07 को ना जानता हो। टिकटॉक की ये सबसे पॉपुलर टीम है और मिस्टर फैजू इस टीम के सबसे बड़े क्रिएटर हैं। टीम 07 के फ्रेंडशिप वीडियो और कॉमेडी वीडियो बहुत पसंद किए गए। इनके अलावा मिस्टर फैजू की स्माइल, गालों के डिम्पल भी उनके फीमेल फैंस को बहुत लुभाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं मिस्टर फैजू की लाइफ के बारे में सब कुछ। इस जिंदगी ने दो चीजें जरूर सिखाई हैं, अपने में खुश रहना, किसी दूसरे से कोई उम्मीद ना रखना। मिस्टर फैजू का पूरा नाम फैजल शेख है, पर ये उनका रियल नेम नहीं है। फैजू का रियल नेम शेख मोहम्मद मुदस्सर है। मिस्टर फैजू का जन्म 5 अक्टूबर 1995 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। मिस्टर फैजू की फैमिली में उनके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के अलावा दो सिस्टर और एक बड़ा भाई है। फैजू का बचपन से ही सपना था कि वो एक एक्टर बने। उनमें बचपन से एक्टिंग का शौक भी था और टैलेंट भी था। मिस्टर फैजू ने अपनी स्कूलिंग बेंड्रा के IES न्यू इंग्लिश स्कूल से की थी। वो एक्टिंग के साथ साथ स्टूडेंट भी अच्छे थे। स्कूलिंग करने के बाद बेंड्रा के ही रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन के दौरान ही फैजू की फ्रेंडशिप टीम 07 यानी हसनैन खान, सद्दू, फैज बलोच और अदनान से हुई थी। उस टाइम ये बाइकर्स का ग्रुप हुआ करता था। उसी टाइम म्यूजिक कली का ट्रेंड बढ़ता जा रहा था, तो अदनान ने ग्रुप में बोला कि क्यों ना हम लोग भी एक टीम बनाएं। अदनान की ये बात सभी दोस्तों को अच्छी लगी और वहीं से टीम 07 की शुरुआत हुई। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि टीम में तो सिर्फ 5 लोग हैं, फिर टीम का नाम 07 क्यों रखा। वो इसलिए कि जिसने ये टीम बनाई थी अदनान ने, तो अदनान का डेट ऑफ बर्थ 7 अगस्त है, इसलिए टीम का नाम 07 रखा गया। अदनान ने न सिर्फ टीम बनाई बल्कि अपने दोस्तों को वीडियो बनाने के लिए काफ़ी उकसाया और मोटिवेट भी किया। अदनान ने फैजू को भी ये सुझाव दिया कि तुम अकेले लिपसिंग वीडियो भी बना सकते हो। मिस्टर फैजू ने अपना पहला वीडियो तू आता है सीने में सॉन्ग पर बनाया था। ग्रेजुएशन के दौरान वो बेंड्रा की एक शॉप पर अपने पापा के साथ काम किया करते थे। फैजू के शुरुआती वीडियो ज़्यादा नहीं चले, लेकिन उन्हें इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें टिकटॉक पर वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता था। हालांकि उनके घर वालों को नहीं पसंद था कि वो टिकटॉक पर वीडियो बनाएं, और उनकी मॉम ने तो तंग आकर बोल भी दिया कि ये सब बंद कर दो, पर ये सब रुकने वाला नहीं था। मिस्टर फैजू टिकटॉक के प्रति जुनून इतना था कि वो सुबह उठते ही वीडियो बनाना शुरू हो जाते थे और शाम 6 बजे तक वीडियो बनाते रहते थे। पहले वो अपने घर में लिपसिंग वीडियो बनाते थे, फिर बाहर जाकर दोस्तों के साथ आउटडोर वीडियो बनाते थे। फैजू एक दिन में 10 से 15 वीडियो बना देते थे। क्यूट लुक, अच्छी एक्टिंग और अच्छे कंटेंट होने की वजह से उनकी और टीम 07 की मेहनत रंग लाई और वो तेजी से फेमस होने लगे। कुछ ही दिनों में फैजू टिकटॉक के सबसे बड़े क्रिएटर बन गए। मिस्टर फैजू बताते हैं कि उन्हें टिकटॉक से जो इतनी बड़ी सक्सेस मिली है, उन्हें इस सक्सेस की उम्मीद भी न थी। अब उनके घर वाले भी उन्हें बहुत सपोर्ट करने लगे। टीम 07 के सक्सेस होने के बाद उनका वीडियो बनाना और भी मुश्किल हो गया। वो लोग जहाँ भी वीडियो बनाने जाते थे, फैंस की भीड़ घेर लेती थी। सक्सेस होने के बाद उन्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, पर वो लोग किसी तरह से मैनेज कर लेते थे। उनका टिकटॉक अच्छा चल रहा था, पर एक दिन सुबह मिस्टर फैजू को सेल्विस्तान के प्रतीक की कॉल आई। प्रतीक ने बताया कि इंडिया में टिकटॉक बैन हो चुका है। ये खबर सुनकर फैजू और पूरी टीम घबरा गई। उन्हें लगा कि अब शायद हम लोग यहीं रुक जाएंगे। फैजू ने अपने एक दोस्त जो टिकटॉक इंडिया में काम करता था, उसको कॉल करके बोला कि क्या टिकटॉक बैन हो चुका है। तो फैजू के उस दोस्त ने बताया कि हाँ, प्ले स्टोर से हट गया है, लेकिन जल्द वापस आ जाएगा, आप लोग अपने काम में लगे रहो। अपने दोस्त की बात सुनकर फैजू और टीम 07 को थोड़ी तसल्ली हुई। वो लोग फिर से अपने काम में लग गए। कुछ दिन कोर्ट में केस चलने के बाद टिकटॉक फिर से प्ले स्टोर में ऐड कर दिया गया। अब टीम 07 सक्सेस की बुलंदियों पर थी। फैजू को रामजी गुलाटी के डायरेक्शन में जन्नत जुबैर के साथ एक सॉन्ग भी मिल गया था और भी अच्छे अच्छे ऑफर आ रहे थे। पर तभी ऐसा हुआ जो फैजू के फैंस
पेरेंट्स को आज तक चुभता है। दरअसल ये बात जुलाई 2019 की है। तबरेज अंसारी केस में हमदर्दी जताते हुए टीम 07 और फैजू ने एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में उन लोगों ने सिर्फ लिप सिंक की थी, पर क्योंकि ये फेमस क्रिएटर थे तो उनका ये वीडियो वायरल हो गया। उन पर गंभीर आरोप भी लगने लगे। वीडियो डालने के कुछ टाइम बाद ही फैजू ने ये वीडियो डिलीट कर दिया था, पर अब कोई फ़ायदा नहीं। वीडियो टिकटॉक ही नहीं, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर फैल चुका था। शिवसेना के रमेश सोलंकी ने टीम 07 पर FIR कर दी, तो मुंबई पुलिस ने टिकटॉक इंडिया पर दबाव डाला, इसलिए टिकटॉक इंडिया ने सबकी टिकटॉक ID बैन कर दी। मिस्टर फैजू ने इसके लिए माफ़ी भी मांगी थी, पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक्टर और यूट्यूबर एजाज खान ने इन लोगों के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई। उसी दौरान फैजू काफ़ी डिप्रेशन में आ गए थे, इसलिए वो अपनी पहली लंदन यात्रा पर चले गए, और जब कुछ टाइम बाद ये सब थोड़ा ठंडा हुआ तब फैजू वापस इंडिया आ गए। इतनी सारी कंट्रोवर्सी और हेट देखकर लगा कि इन लोगों का स्टारडम खत्म हो चुका है, लेकिन इस सब से ना ही उनके फैंस को कुछ फ़र्क पड़ा और ना ही टीम 07 की सक्सेस को। उल्टा इन लोगों की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। फैजू और अदनान हंसते हुए बताते हैं कि उस टाइम तो हमें लगा कि ये क्या हो गया, अब हमारा क्या होगा, लेकिन कुछ ही टाइम बाद सब पहले से भी बेहतर हो गया। जब फैजू का अकाउंट बैन हुआ तब 24 मिलियन से ज़्यादा टिकटॉक फॉलोवर थे और 1 मिलियन हर्ट भी थे। टिकटॉक के बाद मिस्टर फैजू को इतने एल्बम सॉन्ग मिलने लगे कि उनके पास जरा सा भी टाइम नहीं बचा। जन्नत जुबैर के साथ तेरे बिन कीवे के बाद उन्होंने ब्याह नहीं करवाना, फ्रूटी लग दी है, काली मेरी गड्डी, नज़र ना लग जाए जैसे फेमस सॉन्ग किए हैं, और आगे भी कई सॉन्ग आने वाले हैं। न सिर्फ मिस्टर फैजू को बल्कि टीम 07 के बाकी मेंबर्स को भी काफ़ी सॉन्ग मिल रहे हैं। शायद आपको पता ना हो, मिस्टर फैजू ने इससे पहले अक्की फोटोग्राफी यूट्यूब चैनल के कवर सॉन्ग में भी काम किया है। आज मिस्टर फैजू का फेम इतना बढ़ गया है कि जब उन्होंने अपना पहला परफ्यूम प्रोडक्ट लॉन्च किया तो एक घंटे के अंदर उनकी 10 लाख की सेल हो गई थी। फैजू का खुद का अकाउंट तो बैन है, लेकिन वो दूसरों के वीडियो में और अपने इंस्टाग्राम पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मिस्टर फैजू और जन्नत जुबैर की रिलेशनशिप के बारे में। मिस्टर फैजू जब टिकटॉक पर पॉपुलर हो रहे थे तब जन्नत टिकटॉक की सबसे बड़ी क्रिएटर थी। जब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोलैब किया तो लोगों को इनकी जोड़ी बहुत प्यारी लगी। ये जोड़ी न सिर्फ फैंस को अच्छी लगी बल्कि म्यूजिक डायरेक्टर रामजी गुलाटी को भी पसंद आई। रामजी गुलाटी ने इन दोनों के साथ दुबई में एक सॉन्ग शूट किया। उसी दौरान फैजू और जन्नत एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन गए, जो आज भी हैं। एक दूसरे के साथ इतना एक्टिव देखकर फैंस को लगा कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान फैजू ने जन्नत के साथ किसी भी रिलेशनशिप से मना कर दिया और जन्नत ने भी बोला कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए अब बात करते हैं मिस्टर फैजू के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। मिस्टर फैजू अब जहाँ भी इवेंट में जाते हैं उससे पहले वहाँ हाई सिक्योरिटी अलर्ट की जाती है। मिस्टर फैजू का सपना है कि एक दिन वो बड़े पर्दे पर आएं। ये सपना पूरी टीम 07 का है। फैजू के फेवरेट एक्टर शाहरुख खान और सलमान खान हैं और फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ और आलिया भट्ट हैं। मिस्टर फैजू का पहला इवेंट अहमदाबाद में था। इवेंट से पहले उन्होंने वहाँ अपना एक वीडियो शूट करके पोस्ट किया। शूट के दौरान उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनके वीडियो में होटल का नाम आ गया था। वीडियो को पोस्ट होने के कुछ देर बाद ही वहां हजारों फैंस इकट्ठे हो गए। फिर वहां पुलिस आई और फैजू को निकाला गया। फैजू को टॉम एंड जेरी कार्टून देखना काफी पसंद है। मिस्टर फैजू जिस जिम में जाया करते थे, फेमस होने के बाद उनकी एंट्री जिम में बैन कर दी गई, क्योंकि वहां उनके फैंस इकट्ठे हो जाते थे तो वहां रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम होती थी। मिस्टर फैजू जब भी शादी करेंगे तो अरेंज मैरिज ही करेंगे। तो दोस्तों, ये थी लाइफ स्टोरी मिस्टर फैजू की। हम प्रे करते हैं वो जल्द बॉलीवुड में एक लीड रोल में नजर आएं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओए भाई साहिल, अबे कहाँ था कल तू? अबे यार, एक लड़की ना बहुत दिनों से मिलने के लिए कह रही थी, तो कल उससे मिलने गया था। सो बात देखो, मना करा लड़कियों से दूर रहकर। अच्छा वैसे फोन क्यों करा था कल? अबे यार, उसकी फ्रेंड ने तेरे बारे में पूछ रही थी तो मैंने कहा बात ही कर लो। अबे तो तेरे नंबर देना, तेरे को 100 बार कह रहे लड़के से दूर रहकर। ए भिखारी, तू इधर भी आ गया?
हम भिखारी नहीं है, हमारा बाप किसान था। तो बम्बई में क्या खेती करने आया? नहीं, शहर में मेहनत से पैसा कमाएंगे। पैसा कमाएगा? पैसा कमाने के लिए हिम्मत चाहिए, अन्ना की तरह हिम्मत है। भाई यार क्या कार है यार, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। अरे बहुत देखी ऐसी कार, बहुत देखी ऐसी कार वाले। क्या बोल के चला गया भाई? वो तो गया, गया हो गया। माँ बाप ने मुझे घर से बाहर निकाला था तब भी तू मेरे साथ था, जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ा था तब भी तू मेरे साथ था, और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब भी तू मेरे साथ था। अरे यही तो दोस्ती है मेरे भाई। और दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं, मनुष्य है तू। वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।